और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है। और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांव में आलू है, आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं। चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है, सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे, वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो, बस इतनी सी बात समझानी है। किसान, कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के कपड़ा बना के बेचो, कपास बिक जाता 12 रुपए किलो और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है, बस और क्या करना। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100-100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा, हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं होता और सारे गाँव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म। क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांव में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा। तो सारी बेकारी खत्म, बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें, 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से, तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है। और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं। क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का। क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग, हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा। फिर CST खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इस। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे। तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे, हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं, हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे। तो ये योजना है अपनी। और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म, हर चीज सस्ती होगी। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी मिलता है 54 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो 1 लीटर डीजल मिलेगा 7 रुपए 80 पैसे का, जो अभी मिलता है 38 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, जो अभी है 400 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का 1 पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए, 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी है 50 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा। सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ 7,000 रुपए में आ जाएगा अमेरिका का।
सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में भी नहीं होती। सारे टैक्स खत्म करें, किसी को MBBS और MD कराना हो तो 2 लाख में हो जाएगा, जो अभी 20 लाख में भी नहीं होता। हर चीज सस्ती, और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा, जो अभी 7 रुपए किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं, ये 1.5 रुपए में हो जाएगी। 1 साबुन जो आप खरीदते हैं ना 15 रुपए का, टैक्स खत्म करते ही ये 3.5-3.5 के आसपास हो जाएगा। 1 किलो वॉशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं, टैक्स खत्म होते ही 19 रुपए का हो जाएगा। सब महंगाई सस्ती माने खत्म, चीजें सस्ती, और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए। और सीधी सी बात है, टैक्स जितने कम होंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की, सीधी सी बात है। तो आमदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का, सही रास्ता यही है। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए, हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है, इसको रुपए में नहीं लाएंगे, डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे, सोने में लाएंगे।